फर्जी छात्र के मामले पर जांच समिति ने सौंपा जांच रिपोर्ट, अब होगी बड़ी कार्रवाई। स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय लखनादौन में 19 दिसंबर को परीक्षा देते पकड़े गए फर्जी छात्र के मामले पर संलिप्त अतिथि शिक्षक के बारे में प्राचार्य जीएल तलवरे द्वारा एक 4 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई थी, जिसने 15 दिन का समय अनुसार सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर अपनी जांच रिपोर्ट को प्राचार्य जीएल तलवरे को आज सौंप दिया है, एवं अतिथि शिक्षक को भी शोकाज नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने भी अपना पक्ष लिखित रूप में प्राचार्य के समक्ष रख दिया है। उक्त पूरे मामले पर आज प्राचार्य जीएल तलवरे ने बताया कि जांच समिति द्वारा रिपोर्ट सौंप दी गई है, जिस पर अब जन भागीदारी समिति सहित अन्य सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें माना जा रहा है कि अतिथि शिक्षक नीलेश गुलानी को जल्द हटाया जाकर वैधानिक कार्रवाई कॉलेज प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित की जाएगी। देखिए, प्रारंभ से बात करें तो राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय की परीक्षा 30 सितंबर से शुरू थी, फिर चुनाव आने के कारण स्थगित हुआ, पुनः शुरू हुआ। उसमें बाद में बीच में 19 तारीख पहले उस दिन पता बताया लोगों ने कि एक नया दूसरा लड़का किसी दूसरे के स्थान पर बैठ के परीक्षा दे रहा है। तो 19/12/2023 की बात थी कि देवेंद्र, जब पता किया गया तो सौरभ गुलानी छात्र जो देवेंद्र राजपूत के स्थान पर परीक्षा देते हुए पाया गया। इसके आधार पर हमने तुरंत फिर विश्वविद्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार से बात किया परीक्षा से, तो उन्होंने कहा सर FIR दर्ज करी, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। तो हमने तत्काल उसका FIR दर्ज कराई, दर्ज करा करके पुलिस को दे दिया। फिर इसमें संलिप्तता की बात, नीलेश गुलानी की बात कही गई थी छात्र के द्वारा, तो हम इसके लिए एक आंतरिक कमेटी बनाया मैंने, और उस आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई, उसको 15 दिन का हमने समय दिया, और उसके बाद में वह छात्र उपस्थित हुआ है। आंतरिक कमेटी का रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुआ है आज। अब इस पर मैं निर्णय लूँगा, देखूँगा इसको कि क्या है, किस प्रकार से ये किया है, तो उसके आधार पर हम उसकी जानकारी को एकत्रित करके मना करके फिर आगे की कार्रवाई, उसके साथ हम जो जनभागीदारी में हमारे टर्म और कंडीशंस रहते हैं, जिसके आधार पर हम अतिथि शिक्षकों को मानदेय के आधार पर रखते हैं, और उसमें कंडीशन 50 रुपये के स्टाम्प में हम लेते हैं, वो सब चीज़ का अध्ययन करने के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी, जो हमारे प्रचलन में रहेगा। और अभी 8-15 दिन इस पर मैं चर्चा करके फिर उन पर उस पर निर्णय लूँगा। अब रिपोर्ट में लिखा है कि भाई मैं नहीं जानता, वो तो डिनाई करेगा ही। अब हम उसके अन्य चीज़ों को देखेंगे कि कौन सा छात्र, संबंधित छात्र को भी हम ढूंढने का प्रयास करेंगे, उससे भी पता करने का प्रयास करेंगे, और वो क्या कहता है। नहीं, जांच रिपोर्ट मेरे पास आ गई जी, लेकिन उस जांच रिपोर्ट के आधार पर भाई मैं उसको कैसे स्वीकार, उसमें वो कुछ तथ्य को देखा जाएगा, उस तथ्य के आधार पर क्या परिस्थितियां निर्मित होती है, और उसके आधार पर हम उससे समझौते को निरस्त करेंगे।